अलकुम मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है मैंने इससे पहले बैचलर ऑफ साइंस एंड अकाउंटिंग इन फाइनेंस किया और अभी मैं जामतरशीदीतरिया तो तो साल सोम का तलब इमू मेरा सवाल ये कि मॉडर्न फासफफी में जिसमें हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसम के बारे में सोचना शुरू किया जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है और हमारे जितना कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान किया है हम लोग अभी तक उसी चीज़ में चीज़ें हैं और सेकेंडली जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थाट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मेंट होती हैं तो पहले से प्री डिटर्मेंट थाट्स को ले के मैं एक मैं जहन की जहन कैसे रख सकता हूँ और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इकदाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ उसके बारे में पहले से याद जाता है कि फ़लां चीज हराम है चीज़ हराम है चीज़ हराम है तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे मा सा का अच्छा सवाल है वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि कितनी तरक्की करते लेकिन जब नई जदी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो फते हुए हराम है सही है नहीं है गलत अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को तो एट सेंचुरी नाइन्थ सेंचुरी आठवीं सीदी नौवीं सीदी वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस मतलब अंधेरा का दौर तो कौन कहते यूरोपियन यूरोपियन कहते हैं कि के डाक केजिस अंधेरे का दौर लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे और इस पर तकरी दिया मैंने। आठवीं सीदी नौवीं सीदी में जब वेस्टर्नर्स कहते थे डाक केजिस हम दुनिया में तरक्की नहीं करे उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था तो कई गैर मुस्लिम साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकलीफ सुनेंगे so, गेपर, गेपर। तो फॉर फादर ऑफ केमिस्ट्रीज फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है वेस्टर्न नाम, ज़ाबिर ज़ाबिर, ज़ाबिर है, है, उसने ये जो है, ये है? जो अल्कोहल अल्कोहल अरबी लफ्ज से अलगुलिग्नोमेट्री को इसने ईजाद किया मुसलमान आप देखेंगे लिस्ट आपको मिलेंगे आठवीं नौवीं दसवीं सीधी में जो हमारे साइंटिस्ट थे मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इलाज किसने किया ट्रीटमेंट किसने किया बुक्स कानून डॉक्टर के लिए कानून की दो वॉल्यूम जो थे वो आप, आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए लेकिन अभी क्या हो गया हम तरक्की नहीं करें क्यों पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे जब कुरान और हदीस के करीब थे हम दुनिया के चोटी पे थे तादाद में कम थे हम अभी तादाद में तो ज्यादा है हम पच्चीस फीसद दो बिलियन झाक की तरह अल्लाह के रसूल के हैं झाक की तरह क्या फायदा लोग झपटने के लिए ठहरे क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनस्बत हराम हराम महबूज होना चाहिए हम शर्या को फॉलो करना चाहिए जो उलमा फतवा देते उसे मानना चाहिए लेकिन कोई भी सही उलमा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं सही उलमा कभी नहीं रोकेगा अगर कुछ गलत है रोकेगा रिबाह गलत है गलत है रिबा के बिना धंधा नहीं करते तो बेवकूफ लोग है जो बोलते जितने टॉप फाइव हंड्रेड वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री डेट फ्री है टॉप कंपनी तो जो हर एक फंड में अलग आलम है आज की तारीख में इस्लामिक इस्लामिक्स एक में नंबर वन है मुफ्ती तकलीस्मानी नंबर वन दुनिया आपके वो इकोनॉमिक्स के माहिर है और हामिद हुसैन हसन जिसने मैंने कहा था उनका इंतकाल हो गया उन्होंने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मैं माशाला उनके बहुत करीब था काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक बात करने माशा मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफी वक्त गुजारे ये लोग इस्लामिक इकान है अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम अरे भाई आपके पास है कोई दलील और हनफी फिक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स इसलिए मुफ्ती तक्रबान की इज्जत सब जगह है दुनिया में इवीन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है ये सच है भाई मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा हूँ क्यों मैं इनको प्रेस के प्रेस किया तारो अम्मा की इज्जत करता हूँ मैं तो हमें ये देखना चाहिए लेकिन एक बात मैं कहूँ क्या नहीं हुँ? कि पाकिस्तान में और इस्लाम क्यों होना चाहिए मुफ्ती तकबान साफ है इधर लेकिन मलेशिया में जा मलेशिया कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है अताब बोरे ऑफिस से वीडियो वायरल हो जाएगा नहीं लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का कोई इतराज नहीं लेगा इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकते बोल सकता ना मुफ्ती साहब मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है वहां नंबर टू शेख वो नंबर आते दाउद मलेशिया में लेकिन प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है यहां मैं पूछ रहा था कौन कह रहा था ट्वेंटी थ्री परसेंट कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था ट्वेंटी थ्री परसेंट वो भी अच्छी बात है ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग मलेशिया में और ज्यादा तादाद है हालांकि मलेशिया में सिक्सटी थ्री परसेंट मुसलमान हैं तो कम होना चाहिए ना वहां गैर मुस्लिम इस्लामिक बैंकिंग करते तो मुसलमान परसेंट मुस्लिम है पाकिस्तान में तो यहाँ क्यों आपके पास है टेक्नोलॉजी इस्लामिक बैंकिंग की, तो तो काना का गड़बड़ है ना तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग ऐसा है चाहिए, यहां से खाओ यहां से खाओ एक तो बोला भाई आपको इनमें तो क्यों बात करते भाई मुझे बोलते और वो क्या समझते क्या मैं हाँ मैं हम मिलाऊंगा क्योंकि जाकिर को समझ साइंटिफिक है सूट बूट टाइप वाला बोलते ये तो इस्लामिक की बकवास है मैं कौन बोलता है तो मैं जब आवाज खोगा तो उधर डर जाते तो मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों वो खोल रहे भाई क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे क्यों अपने आप को झंडो में डाल रहे क्या आप मुफ्ती है क्या हाँ बोलो मुझे समझता नहीं जाहिर है खाली यह अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते वो सही है लेकिन देर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है तो आप लोग अगर मुझे पता है इज्जत बहुत मुफ्ती तक माशाला लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए अभी अगर 25 परसेंट बोले तो यहाँ 25 फाइव परसेंट यहां से ज्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई लोन लो ही मत बेस्ट है ना रहेंगी बास ना मचेगी बात सोरी लोन लेने का है तो इस्लामिक बैंक से लो अगर मजबूरी है तो लोन नहीं लेना बेस्ट है मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो तो इस तरीके से एक एक पहलू पर अगर हम तोजू दें और पूरा माशरा एक होगा और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है अगर वो सही है तो उसे दो सवाल गलत है तो एक सवाल आलिम आम आदमी ने अभी आलिम के मतलब हर फंड में अलग अलग आलिम है हदीस का का आलिम है तफसीर आलिम काफ्फत है तो आलिम तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ पूछता हूँ क्या हाँ सही है। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया ठीक सर्टिफिकेट देते ना मतलब मैं पूछा दो तीन आलिम से जो मेरे नजदीक खाए हैं तो मैं जवाब देने लगता हूं तो मैं कोई भी हाँ मैं क्या कर सकता हूँ एक आलिम का जवाब ले सकता हूं लॉजिकल दिखाओ वो ठीक है वो दाई का काम क्या है आलिम से सीखे उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है जिसको फैजल अवार्ड मिला है मैं उनको जानता हूं इंडियन है दो दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है किंग फैसल अवार्ड और इस्लामिक बैंकिंग एक है छापरा उमर छापरा और एक इंडिया के आई थिंग शेख निजामुद्दीन वो जब मेरे तकलीफ इस्लामिक बैंकिंग के डॉक्टर so उनको अवार्ड मिला मुझे नहीं मिला उसके मुझे अलग मिला तो तो मैं दिया भाई, सही है क्या बोलते मैंने, 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 मैंने पूछा मैं स्ट्रिक्ट मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या तो बोलता है भाई यूर लॉजिकल यूर ट्रू बट यू स्ट्रिक्ट मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया इस्लामिक बैंकिंग बराबर इसमें कुछ गलतियां क्या बोलो बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात हो तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं है तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने क्या तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी सच करते उनसे बात करो उनको फतवा जाहिर करने तो क्या अलाउड सिर्फ हाँ कि नहीं तो ये बोलना कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते ये बिल्कुल गलत है आप किधर हिंदुस्तान में जाओ पाकिस्तान में जाओ माशा अच्छे उलमा आपके पास है सऊदी में जाओ कुछ ने फहरेज करके करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो ये भी हिमत है करो करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो क्योंकि फतवा अलग होता है तकवा एक होता है भाई जरूरी है तो हमारे मका शरिया में अलाउड है फतवा तो नहीं सकते लेकिन करो मतलब करो मतलब आलिम ने आपके सिर पर हाथ रखा है आप उससे फतवा मत लो आप समझे ना तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है लाइक मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है आप समझे तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो हो सकता है वो आपको दो तीन राय बोलेंगे उसकी बात मान लो मे भी आपका हंड्रेड परसेंट एट्टी परसेंट तो काम हो जाएगा ना नहीं मुझे हंड्रेड परसेंट करने का एट्टी परसेंट तो करो तो इस तरीके से हमें साथ में लेके चलना है हैं इन आपके साथ होगा क्वेश्चन